सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु से देश भर में उनके समर्थकों में रोष जग गया है। उन पर भीमा कोरेगांव मामले में हिंसा भड़काने के आरोप थे। पर क्या है यह भीमा कोरेगांव मामला और कौन थे फादर स्टेन स्वामी, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है, मैं हूं सुरभि। भीमा कोरेगांव के आरोपी फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है। 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी एक कार्यकर्ता थे। उनकी मौत ने देश में कई लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। कई सारे राजनीतिक नेताओं ने भी इन सामाजिक कार्यकर्ता के निधन पर निंदा व्यक्त की है। फादर स्टेन स्वामी पार्किंसन सहित कई अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। वो कोरोना संक्रमित भी हुए थे, जिससे रिकवर होने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। खराब तबीयत की वजह से ही उन्हें तलोजा जेल से फिर बांद्रा के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में भेजा गया। अपनी खराब तबीयत की वजह से ही उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी भी की थी, जिसके ऊपर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही स्वामी जी की जेल में ही मृत्यु हो गई। स्टेन स्वामी के ऊपर माओवादी संगठनों से संबंध रखने का इल्जाम था। इसी इल्जाम के तहत एनआईए द्वारा स्वामी को 8 अक्टूबर 2020 को रांची से गिरफ्तार कर लिया गया था। फादर स्टेन स्वामी कई वर्षों से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वंचित समूहों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने समाज शास्त्र से एमए भी किया था। उन्होंने थोड़े समय तक पादरी के रूप में लोगों की सेवा की, इसीलिए उन्हें फिर फादर स्टेन स्वामी कहा जाने लगा। उन्होंने आदिवासियों को उनका हक दिलाने के लिए भी काफी लड़ाइयां लड़ी। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने झारखंड में विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन की स्थापना की, जो बड़े स्तर पर आदिवासियों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ता है। स्टेन स्वामी पर झारखंड सरकार के खिलाफ बयान जारी करने और पत्तलगढ़ी आंदोलन के मुद्दे पर तनाव भड़काने जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा स्वामी के ऊपर एक ये भी इल्जाम था कि उन्होंने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हिंसा भड़काई थी, जिसके लिए उन्हें और कई सारे अन्य लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दलित समुदाय के लोगों के लिए यालगार परिषद के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में आए भीमा कोरेगांव में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। 1 जनवरी 2018 को आयोजित इस कार्यक्रम में अचानक से हिंसा भड़क गई। मामला इतना बिगड़ा कि इस घटना से कई जगहों पर तोड़फोड़ भी हुई, यहां तक कि कई सारे वाहन भी जला दिए गए। इस मामले में कई लोग जख्मी हुए और एक की मृत्यु भी हो गई। इस मामले में आरोप था कि यह हिंसा जानबूझकर भड़काई गई है। यह हिंसा भड़काने में उन लोगों का हाथ है जिनका माओवादियों से संपर्क है। माओवादियों से संपर्क के आरोप में ही स्टेन स्वामी जी को गिरफ्तार भी किया गया था। कस्टडी में उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसको लेकर उनके समर्थकों के द्वारा सरकार से उनको जमानत देने की मांग भी उठाई गई, लेकिन उनकी जमानत की सुनवाई हो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु से अब देश में रोष जाग उठा है। इल्जाम है कि जानबूझकर उन्हें ऐसे हालात में रखा गया जहां पर उनकी स्थिति बद से बदतर होती गई। इस मामले को मानवाधिकार के ऊपर एक दाग भी बताया गया है। स्वामी के निधन को लेकर कई सारे लोगों ने दुख व्यक्त किया और कई सवाल भी उठाए। फादर स्टेन स्वामी के निधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ लोगों ने भी दुख व्यक्त किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के भी कुछ अधिकारी शामिल हैं। मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक मेरी लोलो हर्ट्स ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, भारत से आज की खबर दिल दहला देने वाली है। मानवाधिकार रक्षक और जेसुइट पुजारी फादर स्टेन स्वामी की आतंकवाद के झूठे आरोपों में गिरफ्तारी के 9 महीने बाद हिरासत में ही मौत हो गई है। जेलिंग एचआरडी अक्षम्य है। इनके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके स्टेन स्वामी की मृत्यु पर शोक जताया है और कहा है कि फादर स्टेन स्वामी न्याय और मानवीय व्यवहार के हकदार थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो उनकी मृत्यु के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस पूर्ण हृदयहीनता और समय पर दवा व दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं कराने के लिए
केंद्र सरकार उत्तरदायी है। फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु को लेकर उनके समर्थकों द्वारा भी रोष व्यक्त किया गया है और उनकी मृत्यु को लेकर जांच करने की मांग भी उनके समर्थकों द्वारा उठाई जा रही है। तो ये तो थी फादर स्टेन स्वामी की बात। आगे भी देश और दुनिया की सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।